मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के पूर्व बागी विधायकों ने जेपी नड्डा के आवास पर सिंधिया की मौजूदगी में की सदस्यता ग्रहण, तो निर्दलीय विधायक इमरती देवी ने सिंधिया के चरण स्पर्श कर दिखाई स्वभावी भक्ति। वहीं प्रदेश कांग्रेस ट्विटर के माध्यम से कर रही है सिंधिया पर वार। जीतू पटवारी ने सिंधिया को कहा विभीषण, तो हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र का हत्यारा। जानिए किसने क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसा कि तय माना जा रहा था, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी पूर्व 22 बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। शनिवार शाम सभी पूर्व कांग्रेस विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन में दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे, जहां नड्डा ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर 22 नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे, लेकिन शिवराज सिंह का अनुपस्थित रहना और इन नेताओं के स्वागत में एक ट्वीट तक ना करना खासा चर्चा में रहा। यहां पूर्व निर्दलीय विधायक इमरती देवी ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद सिंधिया के चरण स्पर्श कर अपनी स्वामी भक्ति भी दिखाई। सदस्यों के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए सभी पूर्व विधायकों को बधाई देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति और उन्नति के अपने संकल्प के साथ कांग्रेस के सभी 22 पूर्व विधायक जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद ट्विटर के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर वार हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश इकाइयों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिंधिया को न सिर्फ जमकर लताड़ा जा रहा है, बल्कि तीखा हमला भी हो रहा है। एक और कांग्रेस ने सिंधिया को ट्वीट करते हुए माफिया राज कहते हुए कमलनाथ सरकार के गिरने की बधाई दी, तो सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने सिंधिया को मिस्टर विभीषण कहकर संबोधित किया। दरअसल 18 साल कांग्रेस में बिताने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके पीछे पीछे सरकार में 6 मंत्रियों सहित 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के चलते कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और शुक्रवार को सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं सहित अलग अलग राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने सिंधिया को ट्विटर पर घेरना शुरू कर दिया। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव ये मानना रहा है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई है, सत्यमेव जयते। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केवल एक लाइन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जनता की हार गई, बीजेपी की जीत गई। वहीं सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने सिंधिया को मिस्टर विभीषण कहते हुए लिखा कि मिस्टर विभीषण, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, आप इसे बदनाम मत करो। सत्तामेव जयते आपका आदर्श वाक्य देश हमेशा याद रखेगा। वहीं एक और ट्वीट करते हुए जीतू पटवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, सरकार गिरी है, हौसले अभी जिंदा हैं, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। वहीं एमपी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट करते हुए सिंधिया पर हमले करते हुए लिखा कि बस करो महाराज, मुबारक हो माफिया राज। वहीं हिमाचल कांग्रेस ने लिखा कि मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है क्योंकि भाजपा इस सरकार को गिराने के लिए सभी हथकंडे अपना रही थी, हम लोकतंत्र के इन हथियारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।